हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू फिज़िक्स क्लासेस आज हम इक्वेशन ऑफ़ मोशंस को कैलकुलस मेथड से देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन को हम कैसे प्रूफ करते हैं इसके पहले हम लोग इसे ग्राफिकल मेथड और कैलकुलस मेथड से पढ़ चुके हैं तो कैलकुलस मेथड का प्रयोग करके इन्हें हम कैसे प्रूफ करेंगे ये आज आपको मैं बताता हूँ तो फर्स्ट इक्वेशन है हम लोगों का फर्स्ट इक्वेशन है वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी सेकेंड है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड थर्ड व्ही स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस तो फर्स्ट इक्वेशन वेलासिटी और एसिलरेशन वैलासिटी और एसिलरेशन का इक्वेशन है तो इसे हम वी इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी एक्सीलरेशन इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी और इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से ही हमको निकालना होगा तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि, कि एक्सीलरेशन और वेलासिटी का जो रिलेशन है यह है इक्वल्स टू डी भी बाई डी टी तो इसे आप लिख सकते हैं डी भी इक्वल्स टू ए डी टी अब इसकी जो प्रॉपर लिमिट है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में आप ये इसको डिफ्रेंशिएट कर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसकी एक प्रॉपर लिमिट होगी जो कि बेलासिटी है तो इनिशियल बेलासिटी से लेकर के फाइनल बेलासिटी ये टाइम है तो टाइम इनिशियली जीरो से लेकर के और टाइम टी तक हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो डी वी ये हो गया इनिशियल बेलासिटी यू फाइनल बेलासिटी वी इक्वल्स टू ए और ये डी और इसकी लिमिट टाइम की तो जीरो से ले कर के टी अब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें आप ये देखें कि यहाँ पर लिख सकते हैं वन और वन को वी के फार्म में लिख सकते हैं वी पावर जीरो डी वी और लिमिट है यू वी और इधर है ए को आप बाहर कर लेंगे कांस्टेंट हो गया जीरो टू टी डी टी ही पावर जीरो तो इंटीग्रेशन में आपने पढ़ा हुआ है कि ये एक पावर बढ़ जाता है और अपान जीरो प्लस वन ये करके आता है तो यहां पर इतना ना लिख करके हम सीधे सीधे इसे लिखेंगे v और इसकी अपर और लोअर लिमिट u v क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है और इधर इसकी वैल्यू हो गई a और dt पर dt पर इसी तरह से हो जाएगा t जीरो टू t अब इसे आप लिख लेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो अपर लिमिट हो गई वी लोअर लिमिट हो गई यू और इक्वल्स टू ए अपर लिमिट टी माइनस लोअर लिमिट जीरो तो अब ये इक्वेशन बन गया वी माइनस यू इक्वल्स टू ए टी व्ही माइनस यू इक्वल्स टू ए टी या वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी तो ये जो है हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया कैलकुलस मेथड से v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी इक्वेशन ऑफ मोशन जो सेकेंड इक्वेशन है इसके लिए हम v इक्वल्स टू होता है डी एस बाई डी टी तो इसे आप लिख सकते हैं डी एस इक्वल्स टू वी डी टी डी एस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ये होता है यू प्लस ए टी डी टी अब इंटीग्रेशन इसको आप करेंगे इंटीग्रेट करेंगे तो ये इसकी लिमिट बन जाएगी एस है दूरी तो दूरी इनिशियल स्टार्टिंग जीरो से लेकर के और एस तक ये टाइम पर है तो जब टाइम पर है तो ये हो गया जीरो से लेकर के टी तक अब इधर ये हो गया आपका एक बार और लिख लेते हैं जीरो टू एस ये फार्मूले में आपने पढ़ा इसको सेपरेट कर देंगे यू डी टी यू डी टी और इंटीग्रेशन जीरो टू टी प्लस ए टी डी टी और इंटीग्रेशन जीरो से टी अब इसकी जो कांस्टेंट की वैल्यू है कांस्टेंट बाहर कर लेंगे और जो लिमिट है लिमिट रख देंगे तो डी एस मतलब वन डी एस वन डी एस का एस हो जाएगा और ये लिमिट हो गई जीरो टू एस यू को आप बाहर रखेंगे तो यू को बाहर रखेंगे तो वन डी टी वन डी टी का बन जाएगा टी और टी पर लिमिट लग जाएगी ज़ीरो टू टी प्लस यहाँ से आप देखें ए को बाहर कर लेंगे और टी पावर वन तो t पावर वन है तो आपने ये जो पढ़ा है कि x पावर n dx एक्स इक्वल्स टू एक्स टू दावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन तो यहां से ये क्या बनेगा यहां से ये बनेगा t वन प्लस वन अपान वन प्लस वन तो ये मिल गया t स्क्वायर बाई टू तो a तो बाहर आ गया t dt का ये बन गया स्क्वायर बाई टू और लिमिट हो गई जीरो टू टी अब यहां इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो एस माइनस जीरो एस माइनस जीरो और ये वैल्यू हो गई u t माइनस जीरो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t माइनस जीरो प्लस हाफ वन बाई टू को बाहर कर देंगे हाफ ए और फिर टी स्क्वायर पर लिमिट हो जाएगी टी स्क्वायर पर तो टी स्क्वायर पर बनेगा तो टी स्क्वायर माइनस जीरो यानी एक बार टी रखेंगे तो टी के जगह पर टी स्क्वायर माइनस जीरो अब इसे आप जो है सिंप्लीफाई करके लिख दें तो ये, अब ये वैल्यू हो गई एस माइनस जीरो है तो एस हो गया यहां इसको लिख देते हैं एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो ये जो इक्वेशन है सेकेंड ये हमको मिल गया एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन तो जहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी टाइम और एक्सीलरेशन के साथ साथ दूरी का रिलेशन बताना होता है संबंध बताना होता है वहाँ पर हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रयोग करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम टाइम तो ए इक्वल्स टू डी भी बाई डी टी इसमें टाइम को जो है रिमूव कर देना है टाइम को यहां से एलिमिनेट करना है तो इसको आप लिख सकते हो डी वी बाई डी एस इंटू डीएस बाई डी टी डीएस से डीएस कट जाएगा डी वी बाई डी टी अब डीएस बाई डी टी जो है यह क्या हो गया लासिटी तो ये हो गया वी और ये डी भी बाई डी एस तो इसको हम लिख सकते हैं वी डी भी बाई डी एस अब ये ए के साथ जो इक्वेशन बनेगा तो ये इक्वेशन हो जाएगा वी डी भी इक्वल्स टू ए डी एस अब इसको इंटीग्रेट करना है तो वी डी भी इक्वल्स टू ए डी एस अब ये वी पर है इंटीग्रेशन तो इनिशियल वेलासिटी यू से फाइनल वेलासिटी वी ये एस पर है एस मतलब डिस्टेंस तो ये जीरो से लेकर के एस तक अब इसका जो इक्वेशन है वी डी वी तो वी डी वी का क्या बनेगा वी पावर वन है तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई टू और इसकी लिमिट यू वी ए बाहर हो जाएगा वन डी एस तो वन डी एस वन का इंटीग्रेशन एस हो जाएगा तो ये बनेगा एस और जीरो एस और इस तरह से इसकी वैल्यू आ जाएगी यहां से अपर लिमिट वी रखेंगे तो वी स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट यू रखेंगे यू स्क्वायर और बाई टू इक्वल्स टू ए एस माइनस जीरो तो एस माइनस ज़ीरो हो गया एस अब ये हो गया v square minus U square equals to two, तो आपका वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू उधर भेज दीजिए तो टू ए एस या आप कह सकते हैं कि वी स्क्वायर इक्वल्स टू इसको राइट साइड भेजेंगे प्लस हो जाएगा यू स्क्वायर और प्लस टू ए एस और इस तरह से ये मिल गया हमें थर्ड इक्वेशन तो थर्ड इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम टाइम जब किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना हो कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं जिसमें कि समय नहीं दिया गया है तब हम वहां पर थर्ड इक्वेशन का प्रयोग करते हैं गुरुत्व के अधीन गति जो इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं इन इक्वेशन्स ऑफ मोशन का प्रयोग जो है हम लोग गुरुत्व के अधीन मतलब कि या तो हम ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं या फिर ऊपर से नीचे की ओर उसको फेंक रहे हैं या फ्रीली छोड़ रहे हैं अब इस पर डिपेंड करता है कि यू भी ये क्या होगा तो हम एक केस पहले डील कर लेते हैं कि वस्तु जो है ऊपर की ओर फेंकी जा रही है ऊपर की ओर जा रही है तो इस केस में क्या होगा इस केस में होगा क्या कि जो हाइट है जो चली गई दूरी है ये हाइट के बराबर होगी तो एस के जगह पर एच यूज करेंगे और जो त्वरण है त्वरण के जगह पर हम एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का प्रयोग करेंगे और सभी ऑब्जेक्ट को सभी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी जो है अपनी तरफ खींचती है तो इसका मतलब कि जी की वैल्यू जो है नीचे की ओर पॉजिटिव होगा लेकिन जब ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो इस जी की वैल्यू जो है यह नेगेटिव होगी अर्थात गुरुत्व के विपरीत तो इस तरह से जो हमारे इक्वेशंस हैं ये इक्वेशन क्या बन जाएंगे इक्वल्स टू यू प्लस जी टी तो एक जगह पर माइनस रखेंगे तो ऊपर फेंक रहे हैं तो ऊपर जा रहा है तो जी की वैल्यू माइनस तो ये यू माइनस जी टी इसी तरह से सेकेंड एच इक्वल्स टू यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो एक जगह पर माइनस जी तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इसी तरह से थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर और प्लस टू जी एच तो इसकी जगह पर हो जाएगा माइनस टू जी एच क्योंकि जी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये हमारे जो है तीनों इक्वेशन मिल गए अब इन तीनों इक्वेशन में इन तीनों इक्वेशन में जब वस्तु अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचती है जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को ये नीचे से हम फेंक रहे हैं तो एक निश्चित ऊंचाई तक जा करके वह फिर उसी दिशा में नीचे की ओर जो है वो लौटने लगती है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इसका अंतिम वेग क्या हो जाता है शून्य हो जाता है तो जब यह कहा जाएगा कि अधिकतम ऊंचाई तक वस्तु जाती है तो उस केस में भी की वैल्यू जीरो ले लेंगे और जब भी की वैल्यू जीरो जीरो ले लेंगे ले 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 ले, तो जहाँ पर इक्वेशन में ये वैल्यू आएगी वहाँ पर हम इसे पुट करेंगे जैसे इक्वेशन वन था वह अधिकतम ऊंचाई तक अगर वस्तु गई तो अधिकतम ऊंचाई तक वस्तु गई तो भी बराबर जीरो हो गया तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन हमारा है ये भी की जगह पर जीरो और इक्वल्स टू यू माइनस जी तो इससे मिल जाएगा यू इज इक्वल्स टू जी टी या टी इक्वल्स टू यू बाई जी इसे हम टाइम निकाल सकते हैं सेकेंड इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन में आप ये देख रहे होंगे कि ये मैक्सिमम हाइट को बताता है ये बेलासिटी सिर्फ इनिशियल बेलासिटी जिससे फेंका गया है इस पर डिपेंड करेगा थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच तो ये वी की वैल्यू जीरोस टू जी एच तो टू जी एच इक्वल्स टू यू स्क्वायर या एच इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन टू जी तो इस तरह से जो मैक्सिमम हाइट होगी यह इस पर डिपेंड करती है कि कितने इनिशियल वेलासिटी से वो फेंका गया है अगर इनिशियल वेलासिटी अधिक होगी तो वह अधिक ऊंचाई तक जाएगा और अगर इनिशियल वेलासिटी कम होगी तो वह कम ऊंचाई तक जाएगा वस्तु तो जो है नीचे की ओर फेंकी जा रही है वस्तु तो नीचे की ओर गति में है अब यहाँ पर दो केसेस होंगे दो केसेस में ये है कि एक तो ये होगा कि इसे फ्रीली छोड़ दिया गया है मतलब इसे जो है फ्री हैंड छोड़ दिया गया है तो जब फ्री हैंड छोड़ दिया गया है तो इनिशियल वेलासिटी ज़ीरो हो जाएगी और सेकेंड केस होगा कि उसे किसी पर्टिकुलर वेलासिटी से नीचे की तरफ फेंका गया है तो ये दोनों अलग अलग केसेस होंगे तो सबसे पहले हम इसमें ले लेते हैं कि उसको फ्रीली छोड़ दिया गया है जब फ्रीली छोड़ दिया गया है तो जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगा वो क्या होगा जब फ्री छोड़ा गया अर्थात विराम अवस्था कह सकते हैं तो ये हो गया जीरो यू बराबर जीरो तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा होगा वी इक्वल्स टू यू की जगह पर जीरो और प्लस ए की जगह पर जी अब ये नीचे की ओर आ रहा है जब नीचे की ओर आ रहा है तो जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी ये हो गया v इज इक्वल्स टू जी टी वी इक्वल्स टू जी टी सेकेंड सेकेंड के लिए s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो u जीरो हो जाएगा तो s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर दैट इज h इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर इसी तरह थर्ड इक्वेशन u की वैल्यू जीरो हो गई तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू टू जी एच वी स्क्वायर इक्वल्स टू टू जी एच इक्वेशन मिल गया अगर इसे फ्रीली नहीं छोड़ा गया है फ्री free, फ्रीली नहीं छोड़ा गया मतलब कुछ वेलासिटी से फेंका गया है तो जब कुछ वेलासिटी से फेंका गया है तो ये इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच होंगे तो जैसा इक्वेशन हो इक्वेशन को आप जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं क्वेश्चन को आप समझें और उसमें क्या दिया गया उसको नोट करें और फिर कौन सा इक्वेशन आप मोशन लगेगा उसे जो है लगा करके और इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे किसी विशेष समय में चली गई दूरी एनवे सेकेंड में या आई एन एस सेकेंड में चली गई दूरी तो जो हमारा इक्वेशन है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है तो इसमें हम दो इक्वेशन बना करके और सॉल्व करेंगे तो एक हम ले लेंगे टाइम एन है और दूसरा जो है एन माइनस वन है अब जो दूरी निकालनी है आपको किसी पर्टिकुलर सेकेंड में या एक सेकेंड में तो अगर एस एन में से एस एन माइनस वन को माइनस कर दें तो वह दूरी निकल जाएगी तो एस एन क्या होगा एस एन इक्वल्स टू हो गया यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर और एस एन माइनस वन क्या हो गया एस एन माइनस वन इक्वल्स टू यू टी टी की जगह पर एन माइनस वन और प्लस हाफ ए एन माइनस वन स्क्वायर अब हमें जो पर्टिकुलर टाइम में दूरी निकालनी है तो इसको हम एस टी एच कह सकते हैं या एस एथ कह सकते हैं तो ए हो जाएगा वैल्यू एस एन माइनस एस एन माइनस वन अब ये वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर दीजिए तो यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर ये हो गई वैल्यू माइनस ये वैल्यू यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए और इसको ब्रेक कर दीजिए तो एन स्क्वायर प्लस वन और माइनस टू एन ये हो गया यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर यू एन माइनस इसे मल्टीप्लाई करेंगे U से तो माइनस यू माइनस माइनस प्लस और इधर ये हो गया हाफ ए एन स्क्वायर इस माइनस से ये बनेगा तो ये हो गया माइनस हाफ ए माइनस माइनस प्लस हाफ ए इंटू टू एन हाफ ए इंटू टू एन अब यहां देख रहे होंगे कुछ वैल्यू कटेगी तो माइनस यू एन प्लस यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए एन स्क्वायर तो बचा क्या यहां से बच गया u और वहां से देखिए क्या क्या बचा है यहां से बचा है हाफ ए इंटू टू एन तो इन दोनों में से हाफ ए को काम ले लीजिए तो हाफ ए कामन ले लेंगे तो ये पॉजिटिव वाला टर्म इसको पहले रखेंगे तो टू एन और माइनस वन u प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन ये एस टी एच एस टी एच यानी किसी पर्टिकुलर सेकेंड में निकाल चली गई दूरी के लिए इस फार्मूले का प्रयोग किया जाएगा अब इसी पर आधारित एक है जो है स्टॉपिंग डिस्टेंस स्टॉपिंग डिस्टेंस अब ये स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है जब कोई गतिमान वस्तु होती है तो वह वस्तु जब चल रही होती है सपोज कर लीजिए कोई गाड़ी है गाड़ी चल रही है तो जैसे ही हम जो है उस पर ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाने के कुछ समय पश्चात वह जो है विराम अवस्था में आती है मतलब कि रुकती है तो ब्रेक लगाने के बाद ब्रेक लगाने के बाद जितनी दूरी वह रेस्ट में आने से पहले तय करती है उस दूरी को उस वाहन की अवरोधन दूरी या स्टॉपिंग डिस्टेंस कहते हैं तो इसके लिए जो इक्वेशन है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस तो रुकेगी जब रुकेगी तो भी की वैल्यू क्या हो जाएगी ज़ीरो हो जाएगी और ये होगी आपका यू स्क्वायर प्लस टू ए एस अब देखिए ए जो है जब हम ब्रेक लगा रहे हैं तो यह मंदन होगा मंदन होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस तो माइनस टू ए एस और इस तरह से आपको मिल जाएगा एस इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई टू एस इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई टू ए इसे जो है उस वाहन की उस पर्टिकुलर बेलासिटी के लिए स्टॉपिंग डिस्टेंस या वाहन की या वाहनों की अवरोधन दूरी कहा जाता है अर्थात अगर इसकी बेलासिटी अधिक है तो बेलासिटी अधिक है तो सेम मंदन लगाने पर वह जो है स्टॉपिंग दूरी जो होगी उसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस होगी वह अधिक होगी अगर मंदन मंदन की वैल्यू अगर आप बढ़ा देते हैं और बेलासिटी कम कर देते तो अगर बेलासिटी कम कर देंगे तो उस केस में यह अवरोधन दूरी घट जाएगी